हे फ्रेंड्स, मैं आपका गार्डनर दोस्त आज आपसे अपराजिता प्लांट की केयर के बारे में बात करूंगा। फ्रेंड्स, इसे शंखपुष्प भी कहते हैं। इसमें वाइट और ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास जो प्लांट है इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसमें कल फ्लावर्स भी खिले थे, लेकिन क्योंकि मैं कल बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और ये देखिए, ये यहाँ पर भी एक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ये प्लांट उन लोग के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स जो लोग फ्लैट में रहते हैं। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये प्लांट बहुत ही कम रोशनी में भी चल जाता है, यानी कि जहाँ पे मान लीजिए अगर एक घंटे की धूप आ रही तब भी ये प्लांट अच्छा चलता है। और फ्रेंड्स, बेसिकली ये कम धूप में ज़्यादा अच्छा चलता है, यानी कि अगर बहुत तेज़ धूप पड़े तो इतनी इसकी पत्तियों में थोड़ा सा जलने लगती हैं इसकी पत्तियाँ, और ख़ासतौर से मई जून की गर्मी में। ठंडक के मौसम में फ्रेंड्स ये डोरमेंसी में चल जाता है। डोरमेंसी उसे कहते हैं जब प्लांट अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और में कोई ग्रोथ नहीं होती है। फ्रेंड्स, उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो एक तरह से मैं कह कहूँ कि सो जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट सीजन के लिए अपने आप को अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ गर्मी के मौसम में, किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको बस 2 से 3 घंटे की धूप मिले और बाकी दिन ब्राइट सनलाइट मिले और थोड़ा सा ठंडक मिले इसके इर्द गिर्द। अगर फ्रेंड आपके यहाँ बहुत गर्मी है, राजस्थान साइड है, तो वहाँ इसको 1 ही घंटे या 2 घंटे की धूप काफ़ी है इसके लिए, और बाकी इसको ब्राइट लाइट दीजिए और ठंडी जगह इसको मिले जहाँ पे मतलब रखा वहाँ पे हल्की सी ठंडक रहे इसके इर्द गिर्द। फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात करें तो किसी भी तरह की मिट्टी में ईजिली ग्रो हो जाता है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि इसकी मिट्टी कैसी रहे। इसकी अगर आपकी मिट्टी थोड़ा सख्त भी है तब भी उसमें भी ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा खाद मैन्योर भी नहीं मांगता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरा जो प्लांट है वो ये देखिए, मैंने एक क्यारी बना रखी है छत पे अपनी। देखिए, ये मैंने ब्रिक्स को रख के ऐसे बना रखा है। इसमें मैंने आगे स्नेक प्लांट लगाया है, पीछे मैंने ये सक्यूलेंट लगाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सक्यूलेंट का प्लांट है और इसी की बेबी प्लांट्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। और देखिए फ्रेंड, इसी में जो आप इसकी डेप्थ देख रहे हैं, बस इतनी डेप्थ में और इतनी जगह में ये मेरा अपराजिता का प्लांट लगा हुआ है। और देखिए, ये ऐसे पूरा ऊपर तक गया है और फिर ऊपर जाके ये पूरा फैला है। फ्रेंड्स, मैंने जो ये प्लांट है ये मैंने सीड से ग्रो किया था, और जो इसका मदर प्लांट है यानी कि जो प्लांट से मैंने ये किया है, यानी कि जो प्लांट मैंने बाय किया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा 12 इंच का पॉट है, इसमें मैंने ये जो प्लांट लगाया था ये इतना दा फैला हुआ है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी मैंने कटिंग कर दिया था, लेकिन जो कि यहाँ पे ये रखा है जहाँ पे इसको बहुत धूप लगती है, इसलिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी जड़ी जड़ी सी हैं इस प्लांट की। तो इसलिए फ्रेंड्स, फिर मैंने इसके यहाँ पे एक सीड से थ्रू इसका यहाँ लगा दिया एक प्लांट। फ्रेंड्स, इसके पानी के बारे में बात करें तो इसको अच्छी क्वान्टिटी में पानी, गर्मियों में यानी कि गर्मी में आप इसको डेली पानी दीजिए, और ठंडक में फ्रेंड्स ये बहुत कम पानी मांगता है। बहुत ज़्यादा पानी देने में इसमें रूट रॉट हो सकता है, तो फ्रेंड्स इसमें तभी पानी दीजिए जब इसकी मिट्टी ड्राई हो, यानी कि आपने एक बार पानी डाला उसके बाद जब आप देखिए कि ऊपर की कम से कम 1 इंच तक की लेयर ड्राई हो गई, या फिर 1 इंच नहीं, आधी इंच, यानी कि बस इतने तक की गहराई तक की मिट्टी अगर सूख गई है, तो फिर आप पानी डाल दीजिए और उसके बाद फिर ऐसे ही आप आगे भी इसी चीज़ को रखिएगा कि जब सूखे तभी पानी दीजिएगा। तो मैंने फ्रेंड्स को लाइट के बारे में बता दिया, मिट्टी के बारे में बता दिया और पानी के बारे में बता दिया। फ्रेंड्स, मिट्टी के लिए अगर आप चाहते हैं तो बहुत है, तो बस एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा गोबर की खाद नहीं है, ईजिली ग्रो हो जाएगा। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है तो उसमें थोड़ी सी सैंड मिला सकते हैं या फिर कोकोपीट भी मिला सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूँगा कि फ्रेंड आप कोकोपीट मिलाएं, और बाकी तो अगर आपके यहाँ की मिट्टी थोड़ा सा अच्छी है तो आप एक हिस्सा गोबर और एक हिस्सा मिट्टी लेके आराम से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके प्रोपिगेशन की बात करें तो ये सीड के थ्रू प्रोपिगेट करता है और कटिंग के थ्रू भी प्रोपिगेट करता है। फ्रेंड्स, इसमें जब फूल आता है तो फूल के बाद देखिए ऐसे इसमें फली लगती है ये सेम की तरह, और अभी ये और थोड़ा सा बड़ी हो के फिर इसमें बड़े बड़े अंदर ब्लैक कलर के सीड लग जाएंगे और ये पूरी ब्राउन हो जाएगी। जब भी फ्रेंड आपको लगे कि पूरी ब्राउन हो गई, एकदम सूख गई है, तो आप इसको इस जगह से तोड़ दें और फिर उसमें से सीड कलर करके आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड ग्रो करने के लिए फ्रेंड इसके लिए कोई भी मौसम सही रहेगा, यानी कि आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, ये इतना ईजली ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, बस गर्मी मत कीजिएगा, जो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उससे हम लोग को थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, अच्छे फूल आए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आप फ्लावर्स की पिंचिंग कर दिया कीजिए, यानी कि जब एक बार फ्लावर मुरझा जाए तो उसको तोड़ दिया कीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स, जो ये वाला मेरा फ्लावर है मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये वाला जो मेरा फ्लावर है यहाँ पर खिला था कल, तो मैं अब इसको यहाँ से
ऐसे तोड़ दूंगा। फ्रेंड्स को इसके बेस से तोड़ा कीजिए, यानी कि एकदम यहाँ से जो जहाँ से जुड़ा है ये वहाँ से तोड़ा कीजिए, ताकि इस क्योंकि इसका सीड यहाँ से अगर आप इसका फूल ऐसे खींचेंगे तो फूल हट जाएगा, लेकिन सीड वाली चीज़ लगी रह जाएगी, इससे सीड फिर लग जाएंगे। इसलिए आप हमेशा इसको ऐसे पीछे बेस से तोड़िएगा। इवन के फ्रेंड्स जो मुझे अभी सीड नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीड हैं, तो जो ये मैंने फली लगी हुई है इसको भी तोड़ दूँगा। फ्रेंड्स फली कोई भी देखिए मेरा यहाँ पे आ रहा है, और मैं इसको ये देखिए मैंने इसको तोड़ दिया, ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस वाले को भी मैंने ऐसे ही तोड़ दिया है, तो इसमें मैं फली नहीं आने दूंगा। फ्रेंड्स ये वाला प्लांट भी मैंने सीड से ग्रो किया है, और देखिए एक प्लांट इसमें लगा हुआ है, ये देखिए ये इसमें लगा हुआ है, तो ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था, और इसमें जो ये प्लांट की स्टेम है ये भी सीड से पूरा ग्रोन प्लांट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला प्लांट, तो ये भी सीड से ग्रो हुआ है, और मैं आपको एक प्लांट और दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी प्लांट है जो मैंने सीड से ही ग्रो किया था, उसी प्लांट के सीड से। ये देखिए कितने कम मिट्टी में लगा है, अभी मैं इसमें मिट्टी और डाल के इसको पूरा ऊपर तक लगा दूंगा, तो ये इसमें लगा हुआ है। फ्रेंड्स मेडिसिन में भी इसका बहुत यूज़ होता है, यानी कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फ्रेंड्स प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है ब्लू कलर का। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी एक फूल लगा है, मैं इसको भी ऐसे नोट दे रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो के नीचे दिए हुए इस रेड कलर में सब्सक्राइब जो लिखा है इसको प्रेस करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें यहाँ पे दबा के, और अगर आपको शेयर करना हो फ्रेंड्स तो यहाँ से आप उसको प्रेस करके शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।